अंडरकोट इलाका नशा करने वाले और नशे के व्यापार की बड़ी मंडी बनता जा रहा है। यहाँ अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी नशे के कारोबार के साथ अपराध की दुनिया संचालित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस इलाके में आपराधिक गतिविधियां और नशे के काले कारोबार की दलदल में फंसकर कई हत्याएं हो चुकी है। कुछ समय पहले जालियान कब्रिस्तान में हुई युवक की हत्या का राज पुलिस अब तक नहीं खोल पाई। वहीं एक और बांग्लादेशी युवक की हत्या से रविवार को फिर सनसनी फैल गई। पहाड़ियों के पास सिर कुचला हुआ शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। शव पर एक भी कपड़ा नहीं है। शव के आसपास एक पर्स मिला है जिससे निशानदेही का प्रयास किया जा रहा है। सूचना मिलने पर दरगाह वृत्ताधिकारी जीवन राम सहित FSL की टीम ने मौका मुआयना किया। बहरहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। कोई अज्ञात व्यक्ति मरा पड़ा है, नग्न अवस्था में है, जिस पर कांस्टेबल रहीम और हम दोनों मौके पर आकर देखे तो नग्न व्यक्ति जिसमें पत्थर से कुचला हुआ है मृत मिला, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को मौके पर आने हेतु दी गई, जिस पर उच्च अधिकारी पधारे हैं। सर क्या लग रहा, मर्डर हुआ? हाँ, क्लियर मर्डर है, मारा गया है पत्थर से कुचल के। इसका सिर कुचल दिया है, चेहरा कुचला हुआ है, जो पहचान में नहीं आ रहा है। कुछ बरामद हुआ क्या? इसके पास ही एक पर्स मिला है, जिस या तो इसका है या कोई इसको मारा उसका है, तो उसमें क्लियर एड्रेस पता, इसकी फोटो पहचान कर ही बता सकते हैं उसका है या किसी और अन्य का है। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत रविवार को नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। थाना प्रभारी रविंद्र हड़ा के निर्देशन में ASI राजाराम, हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, मुकेश कुमार और सूर्य प्रकाश की टीम ने नकली नोट चलाने की फिराक में खड़े तीन आरोपियों को, जिनमें गांधीनगर किशनगढ़ का रवि कुमार, प्रहलाद प्रजापत और हरिराम जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 1000 रुपये का एक नकली नोट, 100-100 के 15 और 50-50 के 3 नकली नोटों के साथ एक प्रिंटर, 100 रुपये के 6 असली नोट और 50 रुपये के 3 असली नोट सहित एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने में पूछताछ की जा रही है। आज जरिया मुखबिर इतला मिली थी कि केसरगंज हलके में 3 व्यक्ति किशनगढ़ के हैं जो नकली नोट चलाने की फिराक में है। उस पर एक टीम का गठन किया जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को हमने मोटरसाइकिल के अरेस्ट किया है। उनकी तलाशी के दौरान उनके पास में एक HP का प्रिंटर स्कैनर जो है वो हमें मिला है। 2500 रुपये के नकली नोट हैं, जिसमें 100-100 रुपये के, 1000 के और 50 के नोट हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति जिस तरह से स्कैन करने के लिए जिन नोटों को प्रयोग करते थे डाई के रूप में, उनको भी हमने बरामद किया है, तथा प्रिंट करने के पश्चात इन नोटों को सही शेप में देने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है उन उपकरणों को हमने बरामद किया है। उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाने के पश्चात मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि नोडल जो है थाना वही है। इसकी फर्द और मैं मुलजिमों के इनको वहाँ भेजा जाकर अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आरोपी कौन कौन है, क्या करते हैं? आरोपी किशनगढ़ के रहने वाले हैं और एक जो मुख्य सरगना है वो चरस पीने का आदि था। उसने अपनी चरस पीने की आदत के लिए जो पैसा पूरा होता है उसके लिए ये जो है जरिया काम को अंजाम दिया है। इसने इनके साथ में जो व्यक्ति है वो पहले मार्बल व्यवसायी था, अपने कार्य में लॉस होने के पश्चात उसने ये नया कार्य, अवैध कार्य जो है वो प्रारंभ किया।